लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आक्रोशित ग्रामीण उप तहसील कार्यालय पहुंचे। अभनपुर के समीप ग्राम पिपरौद के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में गोबरा नवा पारा के उप तहसील कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीण बहुत ही आक्रोशित दिखे, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि रायपुर में बने अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के एवज में अभनपुर के समीप ग्राम पिपरौद में 30 एकड़ जमीन दिए जाने पर सरकार के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित दिखे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी की तहत गांव में संरक्षण के लिए जन जागरूकता के तहत लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर ग्राम पिपरौद में गायों के चारागाह के लिए बने जगहों के लिए सुरक्षित जगहों को रायपुर के दूधाधारी मठ के लिए दिए जाने पर भारी विरोध करते हैं। वही लोगों ने कहा सरकार एक और संरक्षण की गुहार लगा रहे हैं। वही उप तहसील कार्यालय गोबरा नवा पारा द्वारा ग्राम पिपरौद में सुरक्षित चारागाह जगहों के दिए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष द्वारा गुहार लगाया कि ग्रामीणों के लिए निस्तारीय जमीन है, उसे न देवे, वह अन्य जगहों को देवे, और इसके लिए ग्रामीण पिपरौद में चयनित जगह को रद्द करने की मांग करते गोबरा नवापारा के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ ये मामला है दूधाधारी मठ वाला है, रायपुर में जमीन दे है, दान दाता के नाम से वहाँ पुकारे गए है, पर हमार पिपरौद में 30 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ में क्रिकेट मैदान है, घुरवा है, 10 एकड़ में खलिहान है और 5 एकड़ में शमशान घाट है और 15 एकड़ बचत है, तेमें हमार 3000 गरवा 5000 हमार ये परिवार के गुंजाइश है, तिहा वो मनहा नापा जोखा करल के रही, तेला हमन ब्रेक लगाएं कि ऐसा मत करो, ओकर 326 एकड़ खेत है, तेमें 100 एकड़ दान दाता है गौ के नाम से चारागाह के लिए औ दे दे, पर ऐसा मत करे, ऐसे की के तहसीलदार हैं हम लोग, सरकारी आदमी हैं, जो भी कर सकते हैं, ऐसे की इसमें के होते जो भी कर सकता, पर हमार गांव में हम सुरक्षा रखे हैं, आके मुख्यमंत्री सुरक्षा निकल रखे, जेलना हमन गुंजाइश करथन, घुरवा गरवा और नरवा यही ला बनाए ला, पर आज मुख्यमंत्री जगह जगह आदेश दिस, आज हमार गांव के घुरवा नरवा और गरवा ला मारा थे, तो हम ऐसा मारा निदान गांव भर के जाबो तहसीली में और ये बात ला रखबो, ऐसे की के हम यहाँ आहन आज कितना संख्या में और का आपकी मांग है तहसील, आप कौन से ज्ञापन सौंपे? 400 यहाँ करीब हमला जमीन ओ जमीन नहीं देना है, बल्कि दान दाता है, दान वीर भामा है, दूधाधारी मठ वाला है, महंत राम सुंदर है, 100 एकड़ जमीन हमर गौ माता के लिए चारागाह में औ दे, का यहां हो तहसील ऑफिस तो कौन से ज्ञापन सौंपे लाओ, कितना संख्या हम लोगन मनाओ बताओ? हमन अभी 600 है करीब यहाँ जमीन के बारे में, जमीन नहीं देना है कि के ओकर बारे में हम विज्ञापन सौंपत हन। बरातुराम साहू, मोर नाम उमा भाई कंवर है, ग्राम पंचायत पिपरौद में रथों में है, अब ये है चौथा बार है हमारे विरुद्ध है, एक महंत के बारे में शासन के बारे में, जैसे कि हमारे गांव में 1500 एकड़ रहा है चाहे 1000 भर एकड़ रहा है, पूरा गांव के निस्तारी है, तालाब है उसके पास, चारागाह है, खलिहान है, बच्चा मन के क्रिकेटर है वहाँ, तो शमशान घाट भी है, एला बार बार महंत जी है शासन ला प्रेशर करते है कि हम ये जगह ला मोला दे, तो शासन कहते कहीं भी जगह चुन ले ऐसे करके, तो तहसीलदार हो या कोई भी हो या फिर गेरी से हमें पता नहीं है, और वो चुना मारत रही से तो गांव वाला मन बोलिस न तो विरुद्ध हमें कुछ भी कर सकन ऐसे बोलत रही से, ऐसे कैसे कुछ भी बोल ली और कर ली, तो हमारे गांव के मतलब शासन हमारे गांव के हमारे मन के शासन हमला देना नहीं है जगह,
हमारे वहाँ पूरा भरपूर निस्तारी है, एक सती तहसीलदार के विरुद्ध बोला था। हाँ, मैं पिपराउत के ग्राम पटेल हूँ, शालिग्राम साहू है मेरा नाम। 2010 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड और पानी फिल्टर के लिए रावण भाटा दुग्धधारी मठ से जो लिए है उसके विरोध हम चार बार कर चुके हैं दावा आपत्ति के हमें आदेश मिला है। इसलिए हम ग्रामवासी इस जमीन को बदले में न देकर हमारे ग्राम के चारागाह और गांव के निस्तारी है, इसके विरोध में हम सरकार के चार बार हम लोग दावा आपत्ति कर चुके हैं 2010 से लेकर आज 20 तक। यह है चौथा बार है हमारे दावा आपत्ति करते हुए। हम वहां जमीन देने के लिए सरकार को उसके बदले में अंतर्राष्ट्रीय जो रावण भाटम है जहां बस स्टैंड और पानी फिल्टर बना है इसके उपलक्ष्य में बदले में जो जमीन देना चाहते हैं हम इसके विरोध करते हैं पिपराउत के जमीन को नहीं देने के। कहा पिपराउत में वहाँ किसानों के बाड़ा के खुद का जमीन है दुग्धधारी मठ के 350 एकड़ और उसके अलावा हम किसानों के पास कुछ नहीं है निस्तारी। 25% किसान बेरोजगार है, एक डिसमिल जमीन है जिसके 25% किसान के पास एक व्यक्ति के पास 350 एकड़ जमीन है जो मंदिर में अगरबत्ती चलता है उसके बदले में हमारे 45 एकड़ जमीन को कब्ज दे रहा है। तो काकर नाम से ज्ञापन सौंपे हम लोग शासन के विरोध आएंगे। ज्ञापन सौंपे हाँ, काकर नाम से ज्ञापन सौंपा था और क्या मांग रहा था? हम लोग जमीन बचाना चाहते हैं। ज्ञापन काकर नाम से शासन ला शासन के नाम से आपके नाम शालिग्राम साहू ग्राम पटेल शासन के माता की भारत माता की जय। मैं योगेश कुमार साहू ग्राम पंचायत पिपराउत का पूर्व सरपंच। पिछले 4 वर्ष पूर्व भी शासन के द्वारा दुग्धधारी मठ जो जमीन शासन अधिग्रहण किया है अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड निर्माण के लिए उसके एवज में शासन द्वारा ग्राम पिपराउत में स्थित घास जमीन जिसका खसरा नंबर 1210 रकबा 18.50 हेक्टेयर है उसमें से 30 एकड़ जमीन शासन दुग्धधारी मठ को देने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी बिना पंचायत के प्रस्ताव के बिना ना गांव वालों से सहमति लिया है ना किसी से परमिशन लिया है। सरपंच भी रहे पंचायत प्रतिनिधि भी रहे क्या आपसे पंचायत से अनुमति लिया गया था? हाँ सर, इसके पहले भी शासन द्वारा यही प्रस्ताव मांगा गया था कि हम उस जमीन को देंगे शासन को आप पंचायत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए हमको दिया जाए लेकिन हमारे पूरा पंचों के द्वारा उस समय भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि हमारे निस्तारी का मात्र एकमात्र स्थान वही है जिसमें 500 किसानों का खलिहान है जो निस्तारी करते हैं 2500 जानवर है जिसका चारागाह है एवं 5 एकड़ में शमशान घाट है जिसमें हम पूरा अपना शोकाशुल परिवार उसमें निस्तारी करते हैं एवं 5 एकड़ में खेलकूद का मैदान है जिसमें हमारे बच्चे खेलकूद का कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। इस तरह हमारे पास उसके अलावा कोई जमीन ही बचा ही नहीं है। इस तरह हम शासन से अनुरोध करते हैं कि उक्त जमीन को दुग्धधारी मठ को न दिया जाए। इसके अलावा और जो भी हमारे नवयुवक साथी है जो जिसके माध्यम से हमारे गांव की सुरक्षा होता है लगभग 30 की संख्या में है जिसमें हमारे किसानों के द्वारा प्रति एकड़ 150 रुपये के हिसाब से उस ग्राम सुरक्षा समिति के रखवारों को पैसा दिया जाता है और जिसके माध्यम से ही ये सुरक्षा समिति के माध्यम से उस गांव के जो इतना भी घास जमीन सुरक्षित है एवं उस घास जमीन में लगभग 5000 बबूल के वृक्ष हैं जो इनके देखरेख में ही यह वृक्ष हरा भरा हुआ है और इससे हमारे गांव में सुंदरता बढ़ रही है एवं वो अपना वातावरण सुखमय शुद्ध हो रहा है। जय हिंद। मेरा नाम योगेश कुमार साहू ग्राम पिपराउत भूतपुर सरपंच। क्या मामला था? ये अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड हेतु बालाजी स्वामी श्री दुग्धधारी मठ को जमीन जो नया रायपुर में जो दिया गया है उन्हीं के बदले में विकल्प 3 के रूप में यहाँ पिपराउत की 30 एकड़ भूमि आवंटित के संबंध में माननीय मुख्य सचिव और अवर सचिव महोदय का लेटर आया था उसी के परिपालन में यहाँ आवंटन के लिए सभी विभागों से NOC ग्राम पंचायत से अभिमत के लिए लिखा गया था और उसी के संबंध में परसों मौका गए थे मौका मिलान करने तो उसी के संबंध में लोग गांववासी ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन मेरे नाम से दिए हैं नायब तहसीलदार के नाम से दिए हैं। ज्ञापन में ये दिए हैं कि उस जमीन गांव के निस्तारी जमीन है उसको आवंटित ना किया जाए के संबंध में कह के नाम लखेश्वर किरण नायब तहसीलदार नवापारा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.